हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज़ के 8th एपिसोड टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का एक सुपर डुपर क्वेश्चन, जो कि नीट एंड JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक ऐसी सुपर ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके पूरी काइनेमेटिक्स में लगेगी एंड इस क्वेश्चन को सिर्फ दो लाइन में यूं ही सॉल्व कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 persons हैं। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको करने में ही आपके अधिकतर चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी काइनेमेटिक्स की, एंड सुपर ट्रिक तो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 persons हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए अपनी कार से जा रहे हैं, टी टाइम को कवर करते हैं, बट वो फर्स्ट टी हाफ टाइम है, मतलब आधे टाइम में 2A एस्केलेरेशन के साथ चलते हैं, जबकि सेकेंड हाफ टाइम में ए एस्केलेरेशन से। एंड मिस्टर बी भी एक कार से जा रहे हैं एंड टी टाइम तक चलते हैं, बट इनके साथ है कि फर्स्ट हाफ टाइम में इनकी एस्केलेरेशन ए रहता है एंड सेकेंड हाफ टाइम में 2A रहता है। मतलब कि पहले ये 2A से चलते हैं बाद में ए से, और ये पहले ए से चलते हैं बाद में 2A से। बस इतना सा अंतर है, बाकी सारा का सारा डाटा दोनों के लिए सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि हु इज़ कवरिंग मोर डिस्टेंस, इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस ए टू ए का अंतर है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। और वो पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मिस्टर ए ज़्यादा करेंगे या बी ज़्यादा करेगा, या फिर दोनों की डिस्टेंस सेम कवर होगी इस टाइम में। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा काम का क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पूरे को ध्यान से देखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे, तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये वैल्यूज़, इनको कुछ मान लिया जाए। अगर आप इनको कुछ वैल्यू में मान लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, S = UT + ½AT². अब जब भी मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो मुझे S चाहिए, S तो निकालना ही है, तो U चाहिए, A चाहिए, T, तो इनकी कुछ वैल्यू होगी तो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। तो मैं वैल्यू मान लेता हूँ, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, बट मैं जो मान रहा हूँ वो मानेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। U = 0 मान सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग जब कार स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी स्टार्टिंग की 0 ही होती है। टी जो है टोटल टाइम अपन 10 सेकेंड मान के चलते हैं, 10 सेकेंड का पूरा ये गेम है मान के चलते हैं। एंड एस्केलेरेशन ए की वैल्यू अपन 2 m/s² मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 values मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने ये इसलिए मानी है ताकि ये इजी हो जाए। सबसे पहले अपन मिस्टर ए के लिए कोई भी पूरा गेम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि जब 2A स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ टाइम तक 2A वेलोसिटी है, तो इसमें देखेंगे कितनी डिस्टेंस कवर की। तो जो मैं S निकाल रहा हूँ उसको S1 मान के करता हूँ, S1 = UT + ½AT². तो U क्या है, U 0 है, टाइम क्या है 5, 10 सेकेंड टोटल टाइम है, तो हाफ टाइम 5 हो गया प्लस हाफ। A क्या है, A स्टार्टिंग में 2A है, मतलब कि 4, और T² क्या है, T 5 है, तो 5 का स्क्वायर। सॉल्व करूँगा ये 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2, 5 का स्क्वायर 25 × 2 = 50, मतलब कि S1 जो है 50 m, मतलब कि A जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ टाइम में 50 m की डिस्टेंस को कवर करेगा, जबकि देखते हैं कि सेकेंड हाफ टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो सेकेंड हाफ टाइम में डिस्टेंस कवर करने के लिए फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा, S2 = UT + ½AT². तो इस बार U क्या है, इस बार U 0 नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का कंसेप्ट और भी क्वेश्चंस में लगता है जिसमें आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना होता है, तो U 0 मत मानिएगा। यहाँ से खेल खेल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर U कुछ होगा, क्योंकि अब स्पीड बढ़ चुकी है। तो U कैसे निकालेंगे, U निकालने के लिए पहले आप क्या था, मतलब इस पहले वाले केस का जो होगा V वो इसका होगा, सेकेंड केस का होगा U, V = U + AT। तो V क्या है, V तो निकालना है, U पहले वाले केस में 0 था, A कितना है 4 है, T
टी कितना है 5 सेकेंड, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वी आपने क्या निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस वी को यहाँ पर अपन रख देंगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एस टू इज इक्वल वी क्या है, वैसे मैं आपको एक चीज़ और वी निकालने का एक और तरीका बताता हूँ जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में वैसे ही काम आ जाएगा। वैसे ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। वी क्या होगा, जब भी कोई वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होती है, जब भी कोई चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है तो वी निकालना बहुत ईजी होता है। अगर एस्केलेशन आपको पता है तो सीधी बात है 5 सेकेंड है, इसमें एस्केलेशन क्या है 4, ए की वैल्यू 2 है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में 4 से बढ़ता है तो 5 सेकंड में कितने से बढ़ेगा 20 से बढ़ेगा, तो V क्या होगा 20। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सब लगाएं, इस तरीके की ही अप्रोच आपको सेट करनी है अपने माइंड से। आप इजीली ट्रिक से बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली और जल्दी सॉल्व कर लिया करें। तो एस टू देखेंगे तो यहाँ V क्या हो गया आपका UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालेंगे तो U क्या हो गया 20, T कितना है 5 सेकंड है क्योंकि सेकंड हाफ के लिए 5 सेकंड ही है, प्लस A क्या है, इस बार A सिर्फ A है तो 2 है और T इस बार भी 5 है। सॉल्व करेंगे 100 प्लस 8T स्क्वायर एंड हाफ AT स्क्वायर, थोड़ा सा गलत लग गया है मेरे से तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाफ AT स्क्वायर हाफ, A कितना है, A इस बार 2 है और T स्क्वायर क्या है, T क्या है 5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 125 मीटर। कुल मिला के चेक करना है कि A ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टोटल S क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, मतलब कि 50 प्लस 125, मतलब कि 175 मीटर डिस्टेंस टोटल A ने कवर की, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक आपका ये भी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ पर अपन को सुपर ट्रिक देखनी है और एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छे से करेंगे इसको। तो एक साइड मैंने A के लिए काम कर लिया, ऐसे ही मैं B के लिए काम करूँगा। B के लिए काम करने के लिए क्या करना है मुझे, पहले फिर से S1 निकालूंगा। तो S1 क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फटाक से मैं इसको कर देता हूँ। U क्या है इस बार शुरुआत में 0 है, T क्या है 5 सेकंड है हाफ, ए क्या है स्टार्टिंग में इसके लिए ए मतलब 2 है, टी स्क्वायर इस बार भी 5 है, 0 प्लस 2 से 2 गया 25, मतलब कि 25 मीटर ए चलेगा। जहां बी ए ने फर्स्ट हाफ टाइम में 50 मीटर कवर किया था वहां ए ने सॉरी बी ने 25 मीटर किया है, लेकिन अब इसकी एस्केलेशन डबल हो जाएगा तो टोटल चेक करना है, इसको चेक नहीं करना है। तो एस टू निकालेंगे, एस टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन वही फॉर्मूला। तो S2 के लिए U, U क्या होगा इसके लिए, U यहाँ से देखना है, U आपको यहाँ से देखना है, तो U निकाल मतलब जो इसका V होगा वो इसका U होगा, तो V इज इक्वल U प्लस AT क्या हो जाएगा, U कितना है पहले इसके 0, A कितना है, A इस बार ओनली 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी अपन फिर से इस वाली ट्रिक से निकालेंगे V, सीधी सी बात है शुरू के 5 सेकेंड में V क्या होगा ये लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सोचिए शुरू के 5 सेकंड स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है तो A इज इक्वल टू तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि हर सेकंड बढ़ता है 2 मीटर, तो इसका मतलब कि 5 सेकंड में कितना बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो बहुत इजीली हो सकता है। अब इस वेलोसिटी को अपन यहाँ पे फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एस टू इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से लिख दिया फॉर्मूला मैंने, V कितना हो गया जो इसका U है 10 इंटू 5 प्लस हाफ, A कितना है इस बार ये सेकंड पार्ट है ना इसका तो इसमें 2A है मतलब कि 4 है और ये 5 सेकंड ही हर बार, इससे कट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 50 प्लस 25 इंटू 2 50, मतलब कि 100 मीटर। कुल मिला के S टोटल S क्या हो जाएगा, S फॉर B के लिए क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, मतलब कि 25 प्लस 100 मीन्स 125 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए डिस्टेंस आ गई है कि कौन ज़्यादा कवर करेगा, तो इसमें 175 मीटर है जबकि इसमें टोटल 125 मीटर है, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो समझ जाइएगा कि जो पहले एस्केलेशन जिसका ज़्यादा होता है उसकी डिस्टेंस हमेशा कवर होती है ज़्यादा,
ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बिल्कुल सजग रहिएगा, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी एस्केलेशन स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है वही ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। वैसे भी आपने सुना होगा, शुरुआत अच्छी तो सब कुछ अच्छा, तो शुरुआत अच्छी तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी। ओके अब लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की एक ऐसी सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इतना सबको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बट उसको बताने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ट्रिक मैं बताऊंगा और वो ट्रिक नहीं, वो भी एक कंसेप्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं आता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ये भी आपके यूज़ होगा, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपने इस पूरी बेसिक चीज़ को ठीक से देखोगे, आप अगर आप चाहें तो दो बार इसको देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में एक कैलकुलेशन या इस तरीके की सेटिंग सेट हो जाए, क्योंकि काइनेमेटिक्स के डेफिनेटली मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, नीट और JEE के पेपर में एक आध क्वेश्चन तो कन्फर्म ऐसा आता ही है जिसमें इस तरीके की कैलकुलेशन या फिर इस तरीके की इक्वेशंस बनती हैं। ओके अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं, तो देखते हैं कि कैसे हम ये दो चुटकियों में पता कर सकते हैं कि मिस्टर ए डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे या मिस्टर बी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होगी इसकी सुपर ट्रिक। क्वेश्चन वही है बट इसकी ट्रिक दो लाइन में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में पूछा कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो देखिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो VT ग्राफ होता है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ होता है, तो पहले उसमें आप एक चीज बताइए मुझे, ये VT ग्राफ क्या बताता है, VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एस्केलेशन। मैंने आपको बताया ना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ एस्केलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके अब देखिए आप कैसे इस ग्राफ से चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो VT ग्राफ जो है एस्केलेशन को दिखाता है, तो मैं पहले तो एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन मान लो बेसिक यही आ जाए कि इन दोनों में से किसका एस्केलेशन ज़्यादा है, ए का या बी का, तो सीधी बात है जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एस्केलेशन ज़्यादा, यस और नो, यस ठीक है ना, तो ए का। तो अपन देखते हैं कि इसको मैं टाइम के रेफरेंस में बना रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे T/2 टाइम है, तो इतना ही टाइम यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका T टाइम है और ये T=0 है। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में आपने देखा कि एक ही एस्केलेशन ज़्यादा है, बी का सिर्फ ए है जबकि इसका 2A है, तो ए 2A। मैं इतना ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी एक लाइन में है। अब इसके बाद देखूँ, इसके बाद क्या होता है, ए का तो एस्केलेशन क्या हो जाता है, ए, एंड बी का क्या हो जाता है, 2A। यहाँ पे टी टाइम अपन मान लेंगे इसका, चलिए। तो इस तरीके से ये पहले ए का 2A था, बी का ए था, फिर बाद में ए का क्या था, ए, और बी का 2A था। तो ये ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, इसे मैंने आपको लाइनें समझाने के लिए बनाई है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि VT ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को शो करता है या नहीं, यस करता है। तो बस डिस्टेंस निकाल दूंगा, इस केस में डिस्टेंस निकालूंगा, पहले ये इस केस की डिस्टेंस है और इस केस में डिस्टेंस निकालूंगा, बताइए कौन सी वाला एरिया ज्यादा है। तो इस एरिया के अंदर बी की डिस्टेंस है और इस एरिया के अंदर ए की डिस्टेंस है, तो ए की डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो ए का एरिया ज़्यादा आएगा, मतलब कि ए की डिस्टेंस ज़्यादा है, और बी का एरिया कम है, मतलब बी की डिस्टेंस कम है, सिंपल। तो इस तरीके से आप IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये एक कॉमन अप्रोच है VT ग्राफ की जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे करने हैं, वीडियो 7 में भी मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था,
और उसका बेसिक बताया था आपको, वो बेसिक जरूर आना चाहिए जिससे आपका दिमाग में इस तरीके के अप्रोचेस आए। तो इस तरीके से आपको सुपर अप्रोच यूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने दिया है, बट क्वेश्चन का उन स्टूडेंट्स के नाम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज आपके ग्राफ की अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपके होमवर्क के लिए एक ऐसा सुपर डुपर क्वेश्चन सोच के रखा है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ओके, उस क्वेश्चन को देखने के और करने के बाद आपके अंदर ग्राफ की काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी झिझक कम भी हो जाएगी। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बट उसको देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ किन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था इस बार। वैसे हर बार ज़्यादा स्टूडेंट सही आंसर देते थे, बट इस बार काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था। उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जीवन लोधी, खुशी जैन, दीक्षा साहू, मनीष और मानस गुप्ता। सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था, बाकी लोगों ने इसका आंसर या तो दे नहीं पाए या फिर बोला कि बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। आंसर क्या था? ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क का सुपर क्वेश्चन जिससे कि ग्राफ के सारे कंसेप्ट आपके और अच्छे हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है कि विच वन इज करेक्ट ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ग्राफ चूज करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। चार ग्राफ मैं आपके सामने बना देता हूं। इसमें मैं लेता हूं डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ है और एक ग्राफ है ऐसा। इसमें मैं लेता हूं वेलोसिटी एंड टाइम, ये ग्राफ कैसा है, ये भी ऐसा है। इसमें मैं वापस लेता हूं डिस्टेंस एंड टाइम, बट ये ग्राफ ऐसा है। एंड इसमें मैं लेता हूं एस्केलेशन एंड टाइम, और ये ग्राफ भी ऐसा है। तो ये चार ग्राफ मैंने आपके सामने दिए हैं, इन चारों में आपको मुझे बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, बस इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस क्या करना है, मेरा 7th नंबर का वीडियो देखना है। 7th नंबर के वीडियो में मैंने एक बेसिक हिंट दी है ग्राफ की, उस बेसिक हिंट से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और जब आपको इस क्वेश्चन की सुपर ट्रिक पता चलेगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, उनमें डिज़ाइन कुछ और थी, मैंने इस डिज़ाइन को कुछ और बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।